हाय दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे वेस्पा VXL 150 8.5 किलोमीटर चल चुका है 2.5 साल में। ठीक है, तो मैं ये रिव्यू करने जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या खराबियाँ आई हैं, क्या क्या चीज़ खराबियाँ नहीं हुई हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। पहला बात जो है, इसका फ्रंट से फ्रंट का जो बक्स होता है, सामान वामान कुछ छोटा सामान वामान रखने का, कपड़ा वपड़ा रखने का, तो ये बॉक्स का क्या होता है, ये बहुत जल्दी आपको लूज़ हो जाता है। शायद अंदर में रबर वबर कुछ होता है, वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है। जितने बार कोशिश कीजिएगा इसको पिकिंग विकिंग दे के ठीक करने के लिए, मैंने ये रबर भी दे चुका है पिकिंग के हिसाब से, बट ये उतना ज़्यादा ठीक नहीं होता है। थोड़ा सा ठीक होता है फिर अपने आप ही साउंड करना शुरू कर देता है। अगर आप खड्डे वड्डे में चलाएंगे तो ये ज़्यादा साउंड करेगा। बाकी इसका कलर तो वैसे का वैसे ही है, कलर के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि कलर सेम टू सेम है, कलर के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ एक बार इसका ख़राब है जो ये फ्रंट सस्पेंशन। ठीक है, फ्रंट का सस्पेंशन जो है मेरा 12,000 चलने से पहले ही, मतलब 1 साल में ही ख़राब हो गया था। अच्छा हुआ जो मेरा वारंटी पीरियड था, जो मैंने ये डीलर से बहुत ही मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत दिन घूम के ये सस्पेंशन लेना पड़ा। आप तो जानते हैं वारंटी पीरियड में एक चीज़ ख़राब होने से कितना दिक्कत होता है। बस यही बात मैं वेस्पा वालों को, कंपनी के वालों को बताऊंगा कि सस्पेंशन थोड़ा अच्छे क्वालिटी का लगाए कि आदमी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कर सके। ये दूसरा जो स्कूटी होता है उसका सस्पेंशन बहुत ही अच्छा होता है। और ये इसका पिछला टायर, वेस्पा में पहले जो ये टायर आता था वो चाइनीज टायर था। अभी वेस्पा वाले MRF का टायर लगाते हैं, आप टायर का हालत देख सकते हैं, पूरा घिस चुका है। ठीक है, यही एक इसका टायर का ख़राब है। ग्रिपिंग तो अच्छा है लेकिन बहुत ही जल्दी घिस जाता है ये टायर। अभी तो ये वेस्पा वालों ये टायर लगाना छोड़ दिया है, MRF का टायर लगाता है, लेकिन पहले यही टायर लगाता था। जो लोग ये टायर लगा है वो ही जानता है इसका हालत क्या होता है। और इसका जो सीट के नीचे बूट स्पेस है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बूट स्पेस बहुत ही गर्मी हवा छोड़ता है, बहुत ही गर्म कर देता है ये बूट स्पेस। अब वेस्पा अगर लगातार 1 घंटा कंटिन्यू चलाएंगे तो आपको महसूस होगा कि इसके अंदर रखा हुआ सामान को आपको पकड़ने में कितना ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। पानी के बोतल पूरा गर्म हो जाता है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। बाकी ओवरऑल सब कुछ ठीक ही है। और इसका माइलेज होता है 150 cc होने के बाद भी इसका माइलेज टाउन में आपको 30 देगा और हाईवे में 35+ दे देगा, ये गारंटी है। इसके ज़्यादा तो आप मांगिए ही मत। बस यही इसका अच्छा क्वालिटी है और यही इसका ख़राब क्वालिटी है। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।